पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश से बांध उफनाने लगे हैं, जिससे वहां से पानी बराबर छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में बराबर बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं रात से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में गंगा का जलस्तर लगभग 1.07 मीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होते ही बाढ़ इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क हो गए हैं। इधर जलस्तर बढ़ने से सावन के दिनों में गंगा स्नान करने वालों को राहत मिली है। वहीं पहाड़ों पर बारिश होने से ऊपर के बांधों में अधिक पानी एकत्र हो गया है, जिससे बैराज समेत कई बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पानी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं अचानक पानी बढ़ने से तट के किनारे रखे पंडों के तख्त डूबने लगे हैं, तो वहीं पंडों ने आनन फानन अपने तख्त और झोपड़ियां खोलकर पानी से बाहर निकाली। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण शुक्लागंज के घाटों की ओर गंगा के पानी ने रुख कर दिया है, जिससे प्रतिदिन स्नान करने वाले लोगों को ज्यादा दूर स्नान करने के लिए नहीं जाना पड़ता। आपको बता दें कि पिछले करीब 3 माह से गंगा के जल स्तर में काफी घटोतरी हुई है, जिसके चलते जल स्तर सिमट कर कानपुर की ओर आ गया था। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को रेत से चलकर उधर जाना पड़ता था। अब जल स्तर बढ़ने से इन दिनों स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।